रुद्रपुर की पुलिस लाइन और पुलिस कार्यालय का निरीक्षण किया। अधिकारियों और कर्मचारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। इसके बाद डीजीपी ने जन संवाद कार्यक्रम के जरिए विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। इस दौरान प्रतिनिधियों ने ओवरलोडिंग, यातायात व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ अपराध, नशाखोरी जैसे मुद्दे उठाए। किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने कहा कि ओवरलोड वाहनों के कारण लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने ओवरलोड वाहनों पर रोक लगाने की मांग की है। विधायक शिव अरोरा ने कहा कि पार्किंग बड़ी जरूरत है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास और संवाद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अपराध के मामलों में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नशे के बड़े कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर से रुद्रप्रयाग से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि चूंकि नवंबर 2023 में जो है डीजीपी का कार्यभार संभाला था, उसके बाद कुछ ऐसी व्यस्ताएं रही। पहले इन्वेस्टर समिट था, फिर कुछ और वहां पर आयोजन थे देहरादून और आसपास के इलाकों में, फिर आम चुनाव आ गए थे, फिर चारधाम यात्रा, फिर दैवी आपदा, फॉरेस्ट फायर, तो ध्यान उस तरफ ही ज्यादा रहा, गढ़वाल क्षेत्र की तरफ और देहरादून हरिद्वार की तरफ। तो मेरा खुद से मन था कि कुमाऊं क्षेत्र की हमारे किसी भी हालत में मतलब उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए जितना गढ़वाल का क्षेत्र है, और यहाँ मतलब पुराने समय से ये खासतौर से अल्मोड़ा नैनीताल का जो क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। तो ये था कि खुद यहाँ का भ्रमण करके अलग अलग जनपदों में वहाँ जनता के साथ संवाद करके, वहाँ की मीडिया के साथ संवाद करके, जो अभी मौजूदा थाने हैं हर थाने में हम साइबर डेस्क खोलेंगे, ये मैं कहना मतलब अलग से, क्योंकि मेरा मानना ये तो थाना है वही साइबर क्राइम को भी देखेगा, महिला संबंधी अपराधों को भी देखेगा और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में अग्रणी भूमिका लेंगे कि कहीं पर भी एक तो बड़ा कोई अपराध होता है तो उसका तुरंत रजिस्ट्रेशन हो और तुरंत खुलासे के प्रयास किए जाए, और यदि उसमें बाहर के या कहीं के भी बड़े बदमाश लिप्त हैं और जिनका की पूर्व आपराधिक इतिहास है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्या या तो वो स्वर्ग से धारेंगे या अस्पताल जाए, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग सख्त से सख्त जो कानून के दायरे में रहते हुए, ये भी नहीं कह रहा कि कानून का उल्लंघन करने की बात है, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए जो हम ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकते हैं वो की जाएगी।